नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फॉर इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ फारूक त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे पर रहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पीएम मोदी पहली बार काशी के दौरे पर जा रहे हैं। बता दें, पिछली बार पीएम मोदी देव दीपावली के दिन काशी गए थे। काशी दौरे में पीएम मोदी 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। बता दें कि काशी के दौरे के दौरान पहले पीएम मोदी ने अपने दौरे को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि कल 15 जुलाई को मैं काशी में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला का उद्घाटन करूंगा। ये कार्य काशी और पूर्वांचल के लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को और आगे बढ़ाएंगे। दूसरे ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा था कि पिछले कुछ सालों में केंद्र और यूपी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक काम किया है। इन्हीं प्रयासों के तहत बीएचयू में 100 बेड के एमसीएच विंग का उद्घाटन भी किया जाएगा। ये परियोजना काशी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाएगी। कजाकिस्तान के दुशांबे में हुई एससीओ की बैठक में खासियत पर भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में जहां भारत ने सीमा तनाव घटाने में चीन की तरफ से नजर आ रही वादा खिलाफी का मुद्दा उठाया, वहीं ये भी साफ कर दिया गया कि समाधान में हो रही देरी रिश्तों में खटास ही बढ़ा रही है। बातचीत के दौरान इस बात पर भी सहमति बनी हुई है कि जल्द होने वाली अगली सैन्य कमांडर स्तर बातचीत उन सभी मोर्चों पर स्थिति सुलझाने का फॉर्मूला तलाशेगी जहां गतिरोध अब तक बरकरार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी सैन्य तनाव की मौजूद स्थिति और समग्र भारत चीन संबंधों से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत की। दोनों नेताओं ने सितंबर 2020 में मॉस्को की अपनी पहली बैठक को याद करते हुए पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ शेष मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बातचीत के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ किया कि सीमा तनाव घटाने को लेकर बनी सहमति के बावजूद स्थितियां का अनसुलझी रहना संबंधों को खराब कर रहा है। मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक विदेश मंत्री ने चीनी स्टेट काउंसिलर वांग यी से कहा कि इस साल की शुरुआत में पेंगोंग झील के क्षेत्र में सैन्य जमावड़ा कम करने के कदम ने शेष मुद्दों को हल करने के लिए सहायक स्थितियां पैदा की थी। उम्मीद की गई थी कि चीनी पक्ष इस उद्देश्य की ही दिया हुआ भारत के साथ काम करेगा। हालांकि पूर्वी लद्दाख के कई क्षेत्रों में स्थिति अभी भी अनसुलझी ही है। विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि तनाव की मौजूदा स्थिति को लंबा खींचना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। ये साफ तौर पर रिश्तों को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहा है। बता दें, विदेश मंत्रालय के अनुसार समग्र संबंधों का आकलन करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांति बनाए रखना 1988 से ही दोनों मुल्कों के बीच संबंधों के विकास का आधार रहा है, मगर पिछले साल वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की कोशिश ने 1993 और 1996 के समझौतों में जताई गई प्रतिबद्धताओं की भी खुली अवहेलना की है। केंद्र सरकार ने 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 17 विधेयक पेश करने की तैयारी की है, जिनमें से 3 मौजूदा अध्यादेशों की जगह लाए जाएंगे। सत्र शुरू होने के 42 दिनों के अंदर किसी भी अध्यादेश की जगह विधेयक पेश करना अनिवार्य होता है। बता दें, केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक मॉनसून सत्र में पेश होने वाले 3 अध्यादेशों में से एक आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 है, जो 30 जून को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्डों पर पुनर्गठित कर कंपनियों में बदलने के आदेश के खिलाफ कर्मचारी संगठनों को जुलाई के अंत में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से रोकने को लाया गया था। 2 दिन पहले 12 जुलाई को भी जारी लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक बता दें, इस अध्यादेश की जगह लेने के लिए आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और नजदीकी क्षेत्र विधेयक 2021 भी एक अध्यादेश की जगह लेगा।
सरकार के मुताबिक ये अध्यादेश एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में समिति उपायों को बजाय वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्वयं विनियमित और लोकतांत्रिक तरीके से निगरानी वाला तंत्र स्थापित करने और प्रदूषण का स्थायी हल तलाशने में मदद भी देगा। बता दें, दिवालिया और बैंक करप्शन कोड यानी कि संशोधन विधेयक 2021 भी एक हाल ही में जारी अध्यादेश की जगह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2026 तक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में जारी रखने को बुधवार को अनुमति प्रदान कर दी है। योजना 4,607 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रभाव के साथ अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। अनुराग ठाकुर के मुताबिक योजना में भारतीयों के संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आयुष क्षेत्र का विस्तार भी शामिल है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्राचीन और पारंपरिक औषधि प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा और आयुष स्वास्थ्य केंद्रों यानी और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना की जाएगी और इन्हें उत्पन्न किया जाएगा। बता दें, सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान के नाम को उत्तर पूर्वी आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्था के रूप में बदलने को भी मंजूरी दी है। इस संबंध में एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इसके साथ ही महत्वपूर्ण परिवर्तन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और नियमों और विनियमों में भी किए जाएंगे। बता दें, इसमें कहा गया है कि आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करने के साथ ही संस्थान से आयुर्वेदिक को जोड़ना पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लोगों के लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा। बयान में आगे कहा गया कि संस्थान और केवल भारत में नहीं बल्कि तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, नेपाल, चीन जैसे पड़ोसी देशों और अन्य मध्य एशिया देशों में भी आयुर्वेद और लोक चिकित्सा के छात्रों के लिए भी अवसर प्रदान करेगा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से नंदीग्राम चुनाव परिणाम को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है। नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी ने अपनी याचिका में ममता बनर्जी की याचिका को किसी और राज्य के हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट पर दबाव बना रही है। एक जज पर अनगल टिप्पणी कर उन्हें केस से हटने को मजबूर किया जा रहा है। कभी ममता के करीबियों में गिने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। बता दें, विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। हालांकि सीएम ममता को हार का सामना करना पड़ा था। साथ ही साथ नंदीग्राम सीट से सीएम ममता बनर्जी को बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने 1956 वोटों से हराया था। अधिकारी को नंदीग्राम में 1,00,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि ममता बनर्जी को 1,08,000 कुछ वोट ही मिले थे। बता दें, रिजल्ट के दिन सीएम ममता बनर्जी ने मतगणना और चुनाव करवाने में गड़बड़ी के भी गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि वो कोर्ट जाएंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति में देश की सामरिक हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग की। राहुल ने कहा कि समिति का काम वैसे विषयों पर चर्चा करना है जिनका सीधा संबंध देश की सुरक्षा से है। रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की हुई बैठक में राहुल गांधी ने ये मांग भी रखी कि बैठक से पहले तय एजेंडा देश भर के कंटेनमेंट बोर्ड के कामकाज की समीक्षा करना था। बैठक में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा कंटेनमेंट बोर्ड के अधिकारी भी शरीक हुए। सूत्रों के मुताबिक 1 घंटे से ज्यादा देर बैठक चलने के बाद राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जुएल ओरम से मांग की कि समिति को ज्यादातर उन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए जिनका सीधा संबंध देश की सामरिक हितों से हो। राहुल गांधी ने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड के कामकाज की समीक्षा जैसे विषयों पर बहुत ज्यादा समय देना ठीक नहीं है। उन्होंने समिति की बैठक में भारत चीन सीमा
पर तनाव और अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की मांग की। राहुल गांधी का कहना था कि दोनों मुद्दों का संबंध देश की सामरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मौजूद विपक्षी सांसदों ने राहुल गांधी की बात पर सहमति जताई। हालांकि समिति के अध्यक्ष ने कहा कि बैठक का एजेंडा पहले से तय था और उससे जुड़े अधिकारियों को बताया गया है, लिहाजा आज उसी विषय पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में बैठक में इससे पहले ही निर्धारित विषय पर भी चर्चा की गई। उत्तराखंड सरकार के कांवड़ यात्रा पर रोक के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के यूपी में कांवड़ यात्रा को अनुमति देने पर संज्ञान लेने से नई चुनौतियां सामने दिख रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि कांवड़ यात्रा आस्था का मामला है और इस मामले पर खुद वो रोक नहीं लगाएंगे। अगर कोर्ट का कोई आदेश आता है तो उसका पालन जरूर किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मसले पर उत्तराखंड के सीएम से जल्द ही बातचीत कर सकते हैं। वहीं कांवड़ यात्रा पर भी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बता दें, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कांवड़ यात्रा पर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में 10 से 15 साल के बच्चों को गांजा और शराब पीने की ट्रेनिंग दिलाई जाती है। बीजेपी को शिक्षा, रोजगार, महंगाई से मतलब नहीं है, इससे ध्यान हटाने के लिए कांवड़ यात्रा स्कीम चलाते हैं। राजभर ने कांवड़ यात्रा को गांजा शराब पिलाने की यात्रा बताया और ये काम योगी जी करते हैं, उन्होंने ये कहा। बता दें, कांवड़ यात्रा होगी, शराब के ठेके खुले रहेंगे, बीजेपी के दफ्तर और इनके काम चलेंगे, लेकिन शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे। ये सभी चीजें राजभर की तरफ से कही गई। उत्तराखंड में कई विभागों में सृजित संविदा और आउटसोर्सेस के तकरीबन 50,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। 14 ऐसे प्रमुख विभाग हैं जिनमें तकरीबन 30,000 के करीब पद खाली पड़े हुए हैं। बता दें, बीजेपी सरकार ने पिछले 4.5 सालों में इन पदों को किसी माध्यम से भरने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही 22,000 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये कैसे संभव होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। दरअसल उत्तराखंड में साल 2020-21 में 8.5 लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत हैं। इस दौरान उत्तराखंड में सिर्फ 1400 लोगों को ही रोजगार मिला हुआ है। अब सवाल उठता है कि जब 4.5 लाख में से मात्र 1400 पदों पर ही नियुक्तियां की गई हैं, तो 6 महीने में 22,000 पदों पर नियुक्तियां कैसे की जाएंगी। इससे भी गंभीर बात यह है कि उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग कड़ी मशक्कत के बाद भी एक साल में केवल 6 से 7 हजार पदों पर ही भर्ती कर पाता है, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है, जिस वजह से बड़े स्तर पर अधीनस्थ चयन सेवा आयोग भर्ती नहीं कर पाता है। खुद ये चयन सेवा आयोग बता दें कि सचिव संतोष बदोनी भी मानते हैं कि आयोग साल में 6 से 7 हजार पदों पर भर्ती करा सकता है। हालांकि सरकार में कैबिनेट मंत्री विष्णु सिंह चौपाल का कहना है कि इसके लिए सरकार कुछ और व्यवस्था कर सकती है। उन्होंने कहा कि भर्ती के लिए नई एजेंसी भी हायर की जा सकती है, लेकिन चुनावों से पहले इन पदों पर भर्ती जरूर होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को संसदीय रक्षा कमेटी का वॉकआउट कर दिया। बताया जा रहा है कि रक्षा कमेटी के सामने राहुल गांधी ने डोकलाम समेत बॉर्डर से दूसरे मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस सांसद रक्षा कमेटी की इस बैठक से बाहर आ गए। जानकारी के मुताबिक रक्षा कमेटी के सामने राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस सांसदों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चर्चा करने की मांग भी की थी, लेकिन कमेटी के अध्यक्ष ने उनकी ये मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद राहुल कांग्रेस सांसदों के साथ मीटिंग से उठकर चले गए। इससे पहले भी पिछले साल दिसंबर में भी राहुल गांधी ने रक्षा कमेटी की बैठक का वॉकआउट कर दिया था। उस समय भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत कमेटी को रक्षा यूनिफॉर्म के बारे में जानकारी दे रहे थे, तब राहुल ने उन्हें टोकते हुए कहा कि लद्दाख में हमारी तैयारी क्या है, चीन के खिलाफ हमारी रणनीति क्या है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद कमेटी के अध्यक्ष जुआल ओराम ने राहुल को बीच में बोलने से रोका तो राहुल गांधी छोड़कर बैठक चले गए। उनके साथ कांग्रेस के कई सांसद भी यहां से चले गए। बाद में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
को चिट्ठी लिखकर कहा था कि बैठक में उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जो गैर लोकतांत्रिक और उनके अधिकारों का हनन है। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में सीरियल ब्लास्ट की साजिश में एटीएस ने बुधवार को शकील मोहम्मद मुस्तकीम और मोहम्मद मुईद को भी गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस के अधिकारियों का कहना है कि तीनों अलकायदा समर्थित कश्मीर के उग्रवादी संगठन अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े हुए हैं। इससे पहले रविवार को एटीएस ने इस संगठन के आतंकी मिनहास और मसरुद्दीन को भी गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण में अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि अंसार गजवत उल हिंद के कमांडर उमर हलमंडी समेत कई की तलाश अभी भी की जा रही है। बता दें, आतंकवादी मिनहाज और मसरुद्दीन के साथी शकील की एटीएस 3 दिन से तलाश कर रही थी। एटीएस की टीम ने पुराने लखनऊ में बुद्धा पार्क के पास से उसे दबोच लिया। शकील वजीरगंज के जनता नगर मोहल्ले का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी की सूचना से जनता नगर में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, परिवार के सदस्यों ने शकील को फर्जी मामले में फंसाए जाने का आरोप भी लगाया है। शकील की गिरफ्तारी होने के बाद एटीएस की टीम ने सीतापुर रोड के मदयगंज में रहने वाले मोहम्मद मुस्तकीम और ठाकुरगंज के कंपबेल रोड स्थित न्यू हैदरगंज निवासी मोहम्मद मुईद को भी गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद मुस्तकीम मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 दिन बाद फिर कोई बदलाव नहीं किया है। बता दें, 2 दिन के ब्रेक के बाद आज पेट्रोल डीजल का भाव फिर चढ़ गया है। 4 प्रमुख महानगरों में पेट्रोल 31 से 39 पैसे और डीजल 15 से 21 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। इस बढ़ोतरी के बाद से देश भर में तेल की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर छू रही हैं। अब राजधानी दिल्ली में ही पेट्रोल का नया दाम 101.45 रुपए और डीजल का नया भाव 89.87 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं मुंबई की बात करें तो वहां पेट्रोल 107.54 रुपए और डीजल 97.45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 101.35 रुपए और डीजल 93.02 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। चेन्नई की बात करें तो वहां पेट्रोल 102.23 रुपए और डीजल 94.39 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पूरे देश में मॉनसून आ चुका है और बीते दिन दिल्ली एनसीआर में बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 4 से 5 दिन दिल्ली में बारिश के साथ ही हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD की तरफ से राजस्थान और जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में आज बारिश हो सकती है। बात करें अन्य कुछ जिलों की तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बलिया, लखीमपुर खीरी समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है। झारखंड के कुछ हिस्सों में भी आज बारिश होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। कोरोना के कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं। कुछ खतरनाक रहे तो कुछ ऐसे रहे जिन्हें वेरिएंट ऑफ इंस्ट्रिक्ट कहा गया है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से तो भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई और बड़े स्तर पर तबाही देखने को मिली। बताया गया है कि आज भी भारत में डेल्टा ही सबसे ज्यादा सक्रिय वेरिएंट है। दूसरे कुछ वेरिएंट मौजूद जरूर हैं, लेकिन डेल्टा ज्यादा खतरनाक है। डेल्टा को लेकर बताया गया है कि ये इम्यून सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। वहीं वैक्सीन का इस वेरिएंट पर असर तो होता है, लेकिन दूसरे वेरिएंट की तुलना में कम रहता है। इसी वजह से WHO की तरफ से इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया गया है। कोरोना के ताजे आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में अब डेल्टा वेरिएंट का कहर दिखने को मिल रहा है। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक डेल्टा तेजी से फैल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।
सबसे बड़ा कारण है परिवार, जो फैमिली बॉन्डिंग है ना, उसका कमजोर होना।